जय माई की। दोस्तों आज मैं आपको माँ पीताम्बरा मैया के दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ, जिनको बंगलामुखी नाम से भी माना जाता है। तो चलिए मैं अपने पूरे ब्लॉग में आपको माँ पीताम्बरा मैया के दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने घर से आगरा कैंट आ चुका हूं और यहां से अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूं। आपको रेलवे स्टेशन का व्यूज़ दिखा रहा हूं। यहां से जस्ट सामने इसके एक तिरंगा झंडा बना हुआ है जो कि आपको अभी थोड़ा वीडियो में दिखेगा। और इसके बाजू में जाओगे आप आओगे तो राइट हैंड पर टिकट काउंटर भी बना हुआ है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। दोस्तों एक टिकट का चार्ज जो होता है मात्र ही 90 रुपये है। दोस्तों मैंने अपना टिकट ले लिया है और चलता हूँ दतिया के लिए। आगे का व्यू दतिया में दिखाता हूँ। सो फाइनली दोस्तों ट्रेन काफ़ी भरी हुई थी और मैं दतिया आ चुका हूँ। आपको दतिया का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। ख़ास कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अभी यहाँ काम चल रहा है। रात का समय था, 4 बज रहे थे। अभी हमें देखना था ऑटो के लिए तो हमने ऑटो पकड़ा और हम सीधा मंदिर के लिए निकल पड़े। दोस्तों जब तक हम मंदिर पहुंचे तो मंदिर के दरबार खुल चुके थे और काफ़ी लंबी लाइन लगी थी मैया के दर्शन करने के लिए। तो हमने भी जल्दी में अपना प्रसाद लिया और हम भी लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद में हम लोगों ने भी दर्शन किए। आपको मैं शायद कोशिश करूंगा दिखाने की, कैमरा अलाउ नहीं है। तो दोस्तों लाइन में लगे हुए थे, फिर हम लोगों ने दर्शन किए, कैमरा नहीं दिखा पाया। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही बाहर निकले तो महिलाएं जो थीं वो पूजा कर रही थीं, दीपक जला रही थीं और पूजा भी कर रही थीं वृक्ष की, जो कि वृक्ष है वो बेल, आपने सुना हो बेल पत्थर का वृक्ष है। और ये देखिए सामने मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ दोस्तों मैया का। ये मंदिर के अंदर का व्यू है। ये देखिए दोस्तों ये महिलाएं पूजा कर रही हैं, दीपक जला रही हैं, अपनी आराधना अपनी मन्नतों को मांग रही हैं। यहाँ से फिर हम सीधा निकल गए धूमावती मैया के दर्शन करने के लिए। अभी भीड़ नहीं थी दोस्तों, सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो हम माँ धूमावती के दर्शन के लिए निकल गए। आप ये देख रहे हो जैसे ही धूमावती के दर्शन के लिए निकलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देखिए चलते हैं आपको ये कुंड दिखाने के बाद में, और आइए मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों आगे। अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। दोस्तों चलते हैं आगे। ये बीच में कुंड बना हुआ था, काफ़ी सुंदर दिख रहा था लेकिन इसमें पानी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ही पानी है दोस्तों। तो अभी हम लाइन में लगते हैं, आगे चलते हैं धीरे धीरे, आपको दिखाता हुआ चलता हूँ मैं। अभी मॉर्निंग है और यहाँ पर जो फट खुलते हैं, द्वार खुलता है वो 7:15 पर ही खुलता है, तो इसलिए अभी हम लोग बहुत ही जल्दी है, टाइमिंग हो रहा होगा अभी 6 बज रहे होंगे, इसलिए अभी ये लाइन बिल्कुल नहीं है भरी हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत कड़ी लाइन लग जाती है। फिर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जगह जगह पर, आप देख रहे होंगे सामने। दोस्तों जब तक हम वहाँ पहुँचे धूमावती मैया के वहाँ पर तो हमसे भी पहले काफ़ी लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी फिर वहीं बैठ गए, क्या करें नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी तो मैंने तो अपना वहीं रेलिंग में बैठ गया। और बैठने के बाद 1 घंटा अपनी नींद राशि को पूरा कर लिया, पूरी नींद पूरी करने के बाद में 1 घंटे बाद जगे तो आरती स्टार्ट हो गई थी। यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था तो हमने घूमकर यहाँ से मैंने कैमरे से थोड़ा वीडियो बनाया। ये फूल माला आप देख रहे थे अभी, वो चमेली के फूल की है, वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है और कचौड़ी भी चढ़ाई जाती है प्रसाद में। दोस्तों ये देखिए हम जब बाहर निकले तो काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, इतनी भीड़ भाई, इतना तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी भीड़ को। श्रद्धा लोगों की काफ़ी है, देखिए काफ़ी दूर तक भीड़ है, हज़ारों की संख्या में लोग हैं दोस्तों। ये मात्र 1 घंटे के अंदर ही इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर, देखिए आप देख रहे होंगे कैमरे में कहाँ से कहाँ तक, ये 500 मीटर शायद रनिंग है। धूमावती मैया के दर्शन करके वापस आए तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो गई थी, जब हम लोग आए थे भीड़ बहुत कम थी, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ हो गई। यहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए सामने सभी लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं।
ये देखिए मंदिर परिसर में घूम रहे हैं सभी लोग। मैं अभी आपको घूमकर मैया का पूरा दरबार दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इधर बैठने की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर बगल में पार्क भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से पार्क को घूमते हुए यहाँ से हम निकलते हैं, तो यहाँ पर जो निकलने का रास्ता है जहाँ हम लाइन लगाए हुए थे मैया के दर्शन के लिए, वहीं के लिए ये द्वार निकल जाता है। तो हम लोग भी इसी द्वार से निकले और अभी देखा तो काफ़ी भीड़, अभी भी काफ़ी भीड़ थी। ऐसे ही दोस्तों भीड़ लगी रहती है। हम लोगों ने भी सोचा चलो बाहर निकलते हैं, तो हम लोग भी अब दर्शन करने के बाद में अच्छे से बाहर निकलने के लिए चल दिए। हमने देखा गेट पे तो और भी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, ये देखिए सामने कितनी भीड़ है। तो मैं भी लाइन में लग गया और लाइन में लगने के बाद में भी मैंने देखा काफ़ी गर्मी भी बहुत तेज़ थी, धूप भी हो रही थी। बाहर निकल के आ गए। अब हमने की जैसे ही अब बाहर निकल के आए तो यहाँ पर एक तालाब बना हुआ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर इस तालाब की मान्यता के बारे में मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने इसका भी वीडियो बनाया, आप लोगों को दिखा दिया। काफ़ी अच्छा व्यू था। और फिर यहाँ से हम लोग स्टेशन पर आ गए। यहाँ पर स्टेशन पर आकर टिकट ली। टिकट लेने के बाद भाई ट्रेन में इतनी भीड़ थी तो हम लोग तो खड़े होकर आए फिर, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सीट मिल गई। ट्रेन में भी काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने और फिर हम लोग अपने घर के लिए आ गए। भाई कभी भी जाओ तो रिजर्वेशन ज़रूर करना, नहीं तो ट्रेन इस तरीके से भरी होती है कि आपको खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हालत हो गई है सभी लोगों की, कोई कहीं बैठा हुआ है तो कोई कहीं लटका हुआ है। बाबू जय माई की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।